इस वीडियो में हम निफ्टी, बैंक निफ्टी, यूएस डॉलर, आईएनआर करेंसी पेयर का एक वीकली आउटलुक लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इंडियन स्टॉक मार्केट में आने वाले सप्ताह में पॉसिबली कहां पर डिमांड एरिया एंड सप्लाई एरिया हो सकते हैं, और ये सारी जानकारी प्राइस चार्ट के ऊपर में प्राइस एक्शन एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस के आधार पे हम तय करेंगे। दोस्तों, पिछले सप्ताह में अगर निफ्टी को देखें तो अभी हम वीकली प्राइस चार्ट को देख रहे हैं। वीक ऑन वीक बेसिस पर इसमें एक अच्छी उछाल दर्ज की गई। 1.86% से निफ्टी 50 वीक ऑन वीक बेसिस पे क्लोज हुआ। अब यहां पर देखें, ये कंटिन्यूअसली मार्केट ऊपर जा रहा है पिछले कई सप्ताह से, और ये रिट्रेसमेंट के बाद प्राइस ने यहाँ पे इंपॉर्टेंट जगह पे सपोर्ट लिया, जो कि एक जोन था EMA 21 और EMA 55 का। अब यहाँ पर देखें तो लास्ट वीक में मार्केट गैप अप ओपन होता है और यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस एरिया के पास में ये पहुंच जाता है। अब चलिए डेली प्राइस चार्ट पर चलते हैं ताकि डिमांड एंड सप्लाई जोन की स्टडी कर सके रिसेंट प्राइस एक्शन के अनुसार। तो ओवरऑल ट्रेंड तो निफ्टी 50 में बुलिश है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड, इंटरमीडिएट ट्रेंड, लॉन्ग टर्म ट्रेंड तीनों बुलिश नजर आ रहे हैं। यहाँ पे मूविंग एवरेजेस को आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ ड्राइंग को सुपर इम्पोज करता हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये ट्रेंड लाइन आने वाले समय में एक रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगी। प्राइस का रिजेक्शन, प्राइस का रिजेक्शन, प्राइस का रिजेक्शन यहाँ पर एक संभावित हो सकता है। तो बेस्ड ऑन द प्राइस एक्शन अगर हम यहाँ पे समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर देखिए एक राउंडिंग पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ था जो कप एंड हैंडल था। प्राइस ने यहाँ कंसोलिडेट किया और ब्रेक अवे गैप के साथ में ब्रेकआउट हुआ 31 अक्टूबर 2022 को। तो इसके अनुसार अगर हम टारगेट निकालें तो इसका टारगेट आता है 18,500 के आसपास में, और इसके बाद अगर हम बैक साइड में जाएं तो देखें यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। तो हम बोल सकते हैं कि 18,500 से 18,600 का जो बैंड है वो एक मेजर सप्लाई बैंड है, रेजिस्टेंस एरिया है। लेकिन उसके पहले निफ्टी को 18,210, जिसकी चर्चा हम 3 PM स्टॉक मार्केट में कर चुके हैं, यहाँ पर देखिए प्राइस का रिजेक्शन है। ये जोन जो है एक इंटरवीनिंग रेजिस्टेंस के रूप में साबित होगा 18,210 से 18,350 का। डाउन साइड में बात करें दोस्तों तो यहां पर देखिए प्राइस ने गैप डाउन ओपनिंग के बाद में एक सपोर्ट लिया था 3 नवंबर को, तो 17,950 एक इंटरवीनिंग सपोर्ट है। लेकिन अगर हम मेजर डिमांड एरिया की बात करें तो 17,650 से 17,800 का बैंड है जहां प्राइस का रिजेक्शन है, प्राइस का यहां पर रिजेक्शन है, और इसी जोन में EMA 21 इंटरवीन कर रही है। अगर मीन रिवर्जन प्रोसेस हुई तो इस जोन में प्राइस आ सकती है, लेकिन बाय द टाइम अगर निफ्टी इस जोन के ऊपर ट्रेड होने लगा तो EMA 21 अपने आप में अपसाइड में और ऊपर चली जाएगी, तो मीन रिवर्जन के लिए उसे उतने करेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए अब बढ़ते हैं बैंक निफ्टी के प्राइस चार्ट पे। तो बैंक निफ्टी में भी पहले वीकली प्राइस चार्ट को देखते हैं तो बैंक निफ्टी तो करीब करीब अपने लाइफ टाइम हाई के प्राइस में यहाँ ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन पिछले सप्ताह में बैंक निफ्टी में वीक ऑन वीक बेसिस पर जो इंक्रीज देखा गया, बढ़ोतरी देखी गई, वो सिर्फ 0.65% की थी। इसका तात्पर्य है कि निफ्टी 50 ने बैंक निफ्टी को मासिव तरीके से आउट परफॉर्म किया है। यहां पर भी देखिए ब्यूटीफुल राउंडिंग पैटर्न का फॉर्मेशन है। इसके पहले डबल बॉटम था जिसके अपेक्स का ब्रेकआउट हुआ, जिसके अनुसार 43,000 के ऊपर ही टारगेट निकल के आ रहा है। ये सारी चर्चा हम कर चुके हैं चैनल के ऊपर में 3 PM स्टॉक मार्केट में। अब चलिए डेली प्राइस चार्ट में चलते हैं तो डेली प्राइस चार्ट में हम क्या देखते हैं। यहाँ पर आप देखिए एक ब्यूटीफुल कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन बन रहा है और ऐसा लग रहा प्राइस यहाँ कंसोलिडेट कर रही है। कप का फॉर्मेशन हो चुका है, ये हैंडल का केवल ब्रेकआउट होना बाकी है। तो मैं कुछ ड्राइंग को सुपर इम्पोज करता हूँ। तो प्राइस एक्शन के अनुसार अगर हम देखें तो ये ट्रेंड लाइन जहाँ प्राइस का रेजिस्टेंस है, प्राइस का रेजिस्टेंस है, इसके ब्रेकडाउन के बाद यहाँ प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया, तो ये सिग्निफिकेंट लाइन है और ये ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट के रूप में बैंक निफ्टी में काम करेगी। तो ब्रॉडली हम बोल सकते हैं जहां पे ये कंसोलिडेशन का लोअर बैंड है 40,800 और देन नीचे में यहाँ पर एक 21 अक्टूबर को एक गैप क्रिएट हुआ था 40,200, तो ये जोन एक मेजर डिमांड एरिया है और इसी जोन में ये ट्रेंड लाइन भी इंटरवीन कर रही है। EMA 21 भी इंटरवीन कर रही है।
लेकिन इस कंसोलिडेशन का बैंड का एक बार ब्रेकआउट हुआ तो एक शॉर्ट टर्म में इसे रेजिस्टेंस मिलेगा 41,800 से 42,000 के रेंज में, वो भी बेस्ड ऑन दी अर्लियर प्राइस एक्शन, क्योंकि प्राइस का यहां पर एक मेजर रेजिस्टेंस है और रिजेक्शन है। लेकिन इस बैंड को क्रॉस करने के बाद ये क्या होगा, कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट हो जाएगा और इस ब्रेकआउट के अनुसार टारगेट आ रहा है 44,400 के आसपास में। तो बैंक निफ्टी में भी काफी अच्छी स्ट्रेंथ नजर आ रही है। चलिए बढ़ते हैं यूएसडी आईएनआर करेंसी पेयर की तरफ। तो यहां पर देखिए, हम कई वीक से चर्चा करते आ रहे हैं कि प्राइस ये राइजिंग चैनल में ट्रेड हो रही थी, जिसका यहाँ ब्रेकआउट हुआ और उसके अकॉर्डिंगली जो टारगेट था 83.1 का वो तो अचीव हो गया। अब उस टारगेट को अचीव करने के बाद एक करेक्शन हो रहा है और प्राइस फिर से इस राइजिंग प्राइस चैनल के अंदर में आ चुकी है। तो यहां पर देखें, एक मेजर कंसोलिडेशन बैंड है जहां प्राइस ने कई दिनों तक कंसोलिडेट किया और इसी जोन में ईएमए 55 भी है। तो हम बोल सकते हैं कि यूएसडी आईएनआर करेंसी पेयर में 81.3 से 81.7 का जो बैंड है वो डिमांड एरिया के रूप में हम देख सकते हैं आने वाले वीक में। और अपसाइड की बात करें तो यहां पर अगर ध्यान से देखें तो ये प्रायर एक मेजर इंपल्सिव वेव है, इसके अनुसार ही पहला टारगेट अचीव हुआ था। तो अब आने वाले समय में यहां पे मल्टीपल प्राइस का रिजेक्शन है, तो 82.74 से 83.1 का जो बैंड है ये इमीडिएट टर्म्स में एक सप्लाई बैंड के रूप में होगा, रेजिस्टेंस के रूप में होगा। तो दोस्तों, वीडियो को ढेर सारे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे दोस्तों अतिशीघ्र।